सो व्हाट्सअप माई यूट्यूब फैमिली, दिस इज अ फ्रेंड मोहित बैक विद अनदर सुपर डुपर व्लॉग। सो गाइस आज मैं आपको लेके आऊँ कुंज मोटर्स में एंड आज के व्लॉग में आपको SUVs का कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। आज के व्लॉग में गाइस कुछ बहुत ऐसी अपग्रेडेड कार्स में आपको दिखाने वाला हूँ जो आपकी सिर्फ 2500 किलोमीटर चली है। फॉर्चुनर आपको दिखाने वाला हूँ, फॉर्चुनर की टोयोटा लेजेंडर दिखाने वाला हूँ, एंडेवर दिखाने वाला हूँ, एक ऐसी आपको एंडेवर दिखाने वाला हूँ जो आज तक मैंने खुद नहीं कवर की है। मतलब इतनी वो किलर लुक्स में है ना, अगर आप देखोगे ना, अगर कोई एंडेवर लेने की सोच रहे हैं ना और उसका बजट है, वो तो आँख बंद करके इस गाड़ी को लेने के लिए अप्रोच कर रहा है। क्यों? क्योंकि गाड़ी है ही इतनी ऑसम। ऑडी Q7 है, डिस्कवरी है, AMGs हैं, लैंड क्रूजर है, मतलब बहुत सारी वैरायटी हम आपको दिखाएंगे। जो सारे मेजर ब्रांड आपको SUVs में चाहिए वो आज के लोगों में हम आपको सारे दिखाने वाले हैं। तो उन सब की डिटेल के लिए अब मैं बुलाऊंगा बंटी भाई को। आइए बंटी भाई। बंटी भाई कैसे हो? सर मैं बढ़िया, आप बताइए। बस बहुत बढ़िया। भाई को याद किया? बिल्कुल किया सर। किया ना, तो देख ले भाई दर्शन देने आ ही गया। सो बंटी भाई, हम बात करें आज के लोगों में, हम फिर से भाइयों को एक बहुत अच्छी कलेक्शन दिखा रहे हैं। लाइक मैंने अभी बताएंगे नहीं, एंडेवर थी भाई, मतलब इतनी क्लियर लुक्स है। अगर कोई एंडेवर लेने की सोच रहा है ना, इस गाड़ी को देख लेना भाई, वो तो मिस नहीं करेगा इस गाड़ी को जब से आएगा लेने के लिए। उस गाड़ी को ना अलॉय व्हील देख के ही आप यार, अभी नहीं, अभी मत बता भाई। अच्छा। अभी पहले गाड़ी पे पहुंचने दे, फिर दिखाएंगे भाइयों को। सो बंटी भाई, फिलहाल जितनी भी गाड़ी दिखाएंगे सारी पैन इंडिया फाइनेंस हो जाएंगी गाड़ियां। पैन इंडिया फाइनेंस है सर, पैन इंडिया डिलीवरी है अपने पास, पैन इंडिया मतलब एक रूफ के अंदर सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। अगर फॉर एग्जांपल आपका हमारा व्लॉग बाहर से बैठ के देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप उड़ीसा, कर्नाटक या किसी भी स्टेट से बैठ के हमारा व्लॉग देख रहे हो, अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो, आप अपनी पहले तसल्ली करो, आप यहाँ पे नहीं जा सकते। कार जो है आपके शहर में आपके घर के बाहर आपको पहुँचा के दी जाएगी। क्यों भाई? सही, जो कलेक्शन अभी दिखाने वाला हूँ आई थिंक सब भी डुओ कलेक्शन ही है। दो आपको Q7 है, दो आपको एंडेवर मिल जाएगी, दो आपको डिस्कवरी स्पोर्ट मिल जाएगी, दो ML मिल जाएगी, दो रेंज ओवर स्पोर्ट मिल जाएगी। भाई ने आज पूरी सेटिंग मिटा के रखी है मोहित भाई के लिए। सो इसके अलावा अगर आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल माई एक्साइटिंग व्लॉग से सब्सक्राइब करना, माई एक्साइटिंग व्लॉग को सब्सक्राइब करना, उससे क्या होता है जब भी कोई नई कार का व्लॉग आता है या स्टॉक का व्लॉग आता है तो वहाँ पे जब बेल बटन दबाता है तो वहाँ पे आपको अपडेट मिलता है कि तुम्हारे मोहित भाई की नई वीडियो आई हो। और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करोगे तो वहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा कि आपको नई नई रील्स देखने का, वहाँ पे आपको अपडेट मिलता है। और बात करें भाई, आपका पेज किस नाम से है? सर कुंज मोटर्स 1994। अच्छा, तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना। उधर क्या होता है, जैसे जो नई कार इनके स्टॉक में ऐड होती है ना, तो उन सबका वहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिलता है। तो चलिए गाइस चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को। तो आज के व्लॉग की फर्स्ट कार जो है ये है आपकी ऑडी Q7। बता दूं गाइस आज के व्लॉग में आपको सारी जो SUVs दिखा रहा हूँ ना, जो मोस्ट डिमांडिंग एट अ टाइम जो आप रोड पे चलते हुए देखते हैं, सारी आपको वो SUVs दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपकी आती है ऑडी Q7। भाई डिटेल पे आएंगे इस गाड़ी के हम। सर ऑडी Q7 2013 का मॉडल है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड गाड़ी सर लगभग चली हुई है 97,000 किलोमीटर्स। ओके, विद रिकॉर्ड्स एंड ये सिंगल हैंड ड्रिवन कार है। एंड इस कार की जो आसिंग है 18,90,000 है। ओनर या सिंगल है ये? सिंगल ओनरशिप, डीजल वेरिएंट एंड ये का 3.0 TDI क्वाट्रो वेरिएंट है ये। हाँ जी। अब पहले आपको हमने व्हाइट दिखाई, अब साथ में अब आपके आगे सिल्वर। भाई अब इसकी डिटेल पे आएंगे हम। सर 2011 का मॉडल है, दिल्ली NCR में तो नहीं चलेगी, चंडीगढ़ रजिस्टर्ड नंबर है, तो गाड़ी का आपको कुछ करवाना ही नहीं है ना, रोड टैक्स पे करना है क्योंकि चंडीगढ़ नंबर आपको मिल रहा है। सेकंड ओनरशिप कार है सर, 80,000 के आसपास का गाड़ी चली हुई है। एंड इस कार की जो आस्किंग है सर अपने पास 14,90,000 की है। सो गाइस वो जो थी वो आपकी 18,90,000 की एंड ये आपकी 14,90,000 की है। हाँ जी। बंटी भाई मैं एक बात बोलूँ, अगर कोई मेरा भाई लेने में इंटरेस्टेड है तो जितनी भी एट अ टाइम आपके इन्वेंट्री में कार अवेलेबल है, क्या सबका सर्विस रिकॉर्ड मिल जाता है? सबका, सब गाड़ियों का सर्विस किलोमीटर मिल जाएगा, सर्विस रिकॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। सो गाइस अब आपको नेक्स्ट दिखा रहा हूँ, ये है आपकी फोर्ड एंडेवर 3.2 ऑटोमेटिक वेरिएंट है, साथ में इसका बाप खड़ा है। ये तो बेटा है, अब इसका बाप दिखाऊंगा ना, उसको देख के ना पैरों तले जमीन निकल जाएगी क्योंकि गाड़ी इतनी किलर लुक्स में है ना। बंटी भाई मजा आ जाएगा देख के यार भाई। हाँ जी। सो सबसे पहले हम आते हैं फोर्ड एंडेवर 3.2 ऑटोमेटिक वेरिएंट। भाई मॉडल कौन सा होगा ये? सर 2016 का मॉडल है ये एंड यूपी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है। जो कस्टमर यूपी से गाड़ी देख रहे हैं इस गाड़ी को डेफिनेटली वो कंफर्म कीजिए, काफ़ी अच्छी गाड़ी मिल रही है, नंबर भी अच्छा है 6600। एंड ये इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ जी, ये लगभग 1.5 लाख के आसपास किलोमीटर गाड़ी चली हुई है विद रिकॉर्ड। एंड इस गाड़ी की जो आसिंग है सर 19,90,000 में आपको फोर्ड एंडेवर मिल रही है। 19,90,000 में आपको गाड़ी मिल जाएगी। काफ़ी भाई अगर कोई फोर्ड एंडेवर लेने की सोच रहा है तो इस ऑप्शन के लिए जा सकता है। बता दूँ कार को आज भी आप चला के देखोगे तो मतलब चाल डालने कोई फर्क नहीं आया, वैसे की वैसे ही है, कोई भी फर्क नहीं आया सर। अगर हम वैसे ही बात करें भाई, लेकिन जैसे हम टोयोटा के लिए बोलते हैं, टोयोटा जो है 3-4 लाख किलोमीटर चलने तक उस गाड़ी का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम फोर्ड की बात करें, फोर्ड कितना मतलब सर, आज तक भी मैंने एक भी कस्टमर से क्वेरी देखी नहीं जो जिन्होंने ये बेची है गाड़ी हमें,
उनसे भी 1% का भी कुछ ऐसा निकला नहीं है कि हाँ ये मेरे को दिक्कत आ रही है। उन्होंने अभी हमसे फिलहाल ये गाड़ी देखकर X1 ली है, 19 मॉडल। अच्छा, तो ये काफ़ी अच्छी मेंटेन है, ये अपनी ही गाड़ी है, मतलब ये सेकंड ओनरशिप कार है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगी 19,90,000 रुपये। हाँ जी, ठीक है। और ये ओनर फर्स्ट है सेकंड है? ये सेकंड ओनरशिप। ठीक है, सो अब क्या बोलते हो, दिखाए वो भाइयों को गाड़ी? दिखा दीजिए। सो गाइस ये देखिए, सबसे पहले भाई इधर आओ, सबसे पहले अलॉयज देखिए यार। यू वोंट बिलीव, इस अलॉयज की ही कॉस्टिंग 4 लाख रुपीज है, 4 लाख की ये अलॉयज अलॉयज ही है भाई, ये देख लो अलॉयज। अब ये देखो फोर्ड एंडेवर जो आप साथ में देख रहे हो, उसके अलॉयज देखना और इसके अलॉयज देखो। मैं भाई को बोलूंगा बस इसके अलॉयज दिखाओ, वो देखो गाइस जो उसके आपको कंपनी के साथ मिल रहे हैं, अब जो इसके साथ अलॉयज मिल रहे हैं ये देखो, मतलब यार ब्यूटी है। और यार जो बंदा ऐसी गाड़ी का शौकीन है ना, और उसको अगर ऐसे अलॉयज मिल जाए ना गाड़ी में, तो यार उसका तो मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल सर, ये गाड़ी का कोई गाड़ी में एडिशनल हम ये कॉस्ट जोड़ नहीं रहे हैं इस टायर का, ये एडिशनल आपको डेफिनेटली फ्री में मिलेगा। फ्री में मिल रहा है, मतलब इसका आपको गाड़ी में कॉस्ट लगा के नहीं दी जाएगी, ये आपको इसके साथ ही मिल रहा है। हाँ जी। सो पहले आएंगे भाई, मॉडल कौन सा होगा ये? 2017 मॉडल है, एंड ये सर गाड़ी चली कम है, 49,000 किलोमीटर चली हुई है। ठीक है, ये टॉप मॉडल है, टाइटेनियम प्लस, 3.2 लीटर फोर व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक। ओके, इस कार की जो आसिंग है 27,90,000 है। 27,90,000, क्योंकि बता दूं गाइस ये लेस ड्रिवन है, एंड सबसे बढ़िया ये आपका 2017 मॉडल है। 2017 एंड वाला कौन सा था? वो 2016 थी सर। अच्छा, वो 2016 थी या 2017 है? ये सिंगल ओनर है, ये फोर व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक, वो भी फोर व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक, लेकिन उसमें वो सेकंड ओनर हो गई थी और उसमें सनरूफ नहीं मिल रहा, और वो ज्यादा ड्रिवन थी गाड़ी। प्लस इसमें आपको एडिशनल ये अलॉयज भी मिल रहे हैं, अलॉयज। एंड मैं बात करूं भाई, अगर ये अलॉयज एंड टायर की बात करें, मतलब लगा लो 4 से 6 लाख का खर्चा तो टायर्स एंड अलॉयज का ही है इस गाड़ी में। आपने बता ही दिया। सो गाइस अब ये वो नेक्स्ट कार है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये है आपकी मर्सिडीज बेंज एस क्लास। बता दूं ये सिर्फ 2500 किलोमीटर ड्रिवन है, 2500 किलोमीटर ड्रिवन गाड़ी, और वो भी इस क्लास की आपको मिल जाएगी, लेकिन बहुत लेस देखने को मिलती है। बता दूं ये कार अगर आप एट द टाइम 2022 में न्यू लेने जा रहे हो, ये आपको कॉस्ट करती है 1,90,00,000 रुपीस। तो चलिए अब मैं बंटी भाई को बोलता हूँ, जो कि फोन में बहुत ज्यादा बिजी हो रहे हैं हमारे। बंटी भाई अब हम आते हैं इस कार की डिटेल पे, सबसे पहले हम बात करेंगे मर्सिडीज बेंज एस क्लास, ये वेरिएंट कौन सा है? सही है, S350 है सर। ठीक है, ये लेटेस्ट ही मॉडल अपने पास, 2020 का मॉडल है, अभी आई है, जस्ट आप आने से पहले 5-10 मिनट पहले ही गाड़ी हमने स्टॉक में ऐड करी है, ना के बराबर ही गाड़ी चली हुई है, 2,500 किलोमीटर, सिंगल ओनर कार है, HP का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है, 15 साल की वैलिडिटी, एंड डीजल वेरिएंट में गाड़ी है? डीजल वेरिएंट है सर। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट की हम बात करेंगे। सर इस कॉस्ट है, ये 2,500 चली हुई है, सिंगल ओनर, ये इस कार की जो आस्किंग है 1,25,00,000 है। 1,25,00,000 इसकी आस्किंग है, एंड न्यू अगर आप आज के टाइम पे जो इसकी जो एट द टाइम जो करंट शेप चल रही है वो आपको कॉस्ट करती है 1,90,00,000 की। हाँ जी, मतलब इसी की, इसकी जो ये 2020 में 1,90,00,000 की आती थी गाड़ी। अच्छा, और जो आज के टाइम में आ रही है न्यू शेप वाली, वो तो नई शेप आ गई है सर, वो 2+ ही जा रही है। अच्छा, तो अगर हम इस शेप की ही बात करते हैं, 2020 में इसकी कॉस्ट होती थी 1,90,00,000 रुपीज, लेकिन आपको मिल रही है 1,25,00,000 में, 2500 ड्रिवन गाड़ी है, 2500 किलोमीटर ड्रिवन गाड़ी है, और आपको इस कार पे 60, सबसे पहले इसमें प्लस पॉइंट मर्सिडीज बेंज की फ्लैगशिप सेडान है, सेकंड 2500 किलोमीटर ड्रिवन है, थर्ड पॉइंट 65,00,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, एंड फोर्थ पॉइंट नेक्स्ट टू शोरूम कंडीशन है। अब ये मैंने आपको इसके प्लस पॉइंट गिनवा दिए, बाकी अगर कोई मेरा भाई इस टाइप की कार अफोर्ड करना चाहता है तो एक बार कुंज मोटर आना, डिटेल मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना जी। अब साथ में अब आपकी आ चुकी है लैंड रोवर डिस्कवरी, भाई ये 5-सीटर वेरिएंट है, 7-सीटर वाला है? 7-सीटर वेरिएंट है ये। हाँ जी, डिटेल्स देंगे भाई। गाड़ी का नंबर देखिए, काफी अच्छा है, 7777। अच्छा, एक और डिस्कवरी है, उसका नंबर है 0004। ओके, वो VIP नंबर हो गया। हाँ जी, 2016 का मॉडल है सर, 7-सीटर डिस्कवरी स्पोर्ट SC मॉडल, एंड 2016 का है, गाड़ी सर चली कम है, 49,000 किलोमीटर चली हुई है। हाँ, एंड सर इस कार की जो आस्किंग है 29,90,000 है। 29,90,000 इसकी आस्किंग है, ठीक है। एंड ये ओनर सिंगल है? ये सेकंड ओनरशिप, सेकंड ओनर है, डीजल वेरिएंट में गाड़ी है। हाँ जी। अब नेक्स्ट आप आपके आ चुके हैं मर्सिडीज बेंज ML250 CDI, डिटेल्स देंगे भाई इस गाड़ी के हम। सही, ये 2013 का मॉडल है, ML250, गाड़ी सर चली 80,000 के आसपास किलोमीटर चली हुई है, सिंगल हैंड ड्रिवन है, एंड दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, एंड इस कार की जो आस्किंग है 18,90,000 है। 18,90,000। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ जब भी ब्लैक कार देखता हूँ, मतलब ब्लैक कार की ना, इसकी हम बात करें, इसकी गायदा एक बार प्रोफाइल देख लो, ब्लैक कार की एक शानी का अलग है यार सर। ब्लैक कलर, ऊपर से टोयोटा, ऊपर से नई शेप,
तो सर इक्वल टू 100 एक्सीलेंट कंडीशन जो होती है। सही बोला। और एक्सीलेंट कंडीशन का ड्रिवन भी तो बहुत लेस है ये। सही है, चलेगा। मैं 3500 किलोमीटर 3500 किलोमीटर 2500 चली थी 3500 मर्सिडीज में 2500 थी, ये 3500 है अपने पास। सर कम चली गाड़ी डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगी, जो ज़्यादा चली है उसका रिकॉर्ड मिलेगा, जो कम चली उसका भी रिकॉर्ड मिलेगा। सारी गाड़ियाँ अपने पास वेल मेंटेन कंडीशन में मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी ड्राइवर ना 3500 किलोमीटर 3500 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, 2 महीने पुरानी है बस। 2 months old car 3500 किलोमीटर driven है, owner single है, next to showroom condition, टोयोटा के legendary है, मतलब 4x4 है, मतलब legendary में almost feature तो सारे same ही है। अगर हम बात करें shape तो same ही है, बस थोड़े feature में फर्क आ गया, क्यों भाई? ना के बराबरी features का अंतर है सर। अच्छा, and अभी आप कंपनी में खरीदने जाएंगे 48 लाख के करीब की गाड़ी मिलती है, एंड इसकी जो आस्किंग अपने पास 44,90,000 है। ओके, सो गाइस मैं इसको लेजेंडरी बोलूंगा, आप इसको लेजेंडरी मान के चलो, तुम्हारे मोहित भाई ने बोला है तो। बाकी गैस शोरूम से एकदम मतलब नेक्स्ट टू शोरूम कंडीशन गाड़ी है, और यार आपको कैमरा में दिख ही रहा है, मतलब गाड़ी की जो शाइन मार रही है बता रहा है कि गाड़ी एकदम नेक्स्ट टू शोरूम कंडीशन है। नेक्स्ट अब आपके आगे जैसे कि बंटी भाई ने बताया था 0004 नंबर की, ये आपकी यूपी नंबर की गाड़ी है, यूपी 37 का कहो भाई, चेक करना पड़ेगा। चलो बाकी भाई चेक कर लेना जाके, डिटेल से आएंगे भाई इस गाड़ी के हम। डिस्कवरी स्पोर्ट, ये भी सर 7 सीटर है, एंड दिस इज 2015 मॉडल, ये सेकंड ओनरशिप है, 60,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है गाड़ी, एंड इसकी जो आस्किंग है 27,90,000 रुपीज़। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट अब आपकी आ चुकी है रेंज रोवर की स्पोर्ट, ये आपका ओल्ड शिप वेरिएंट है। बता दूँ ये गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा ड्रिवन है, लेकिन अगर कोई ये टेस्ट की कार लेना चाहता है, मतलब कोई इस शेप का शौकीन है, तो एक बार पहले आप कार को चला के देखना, इस गाड़ी का भी आपको सर्विस रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं वंटी भाई, मॉडल कौन सा होगा ये? सर 2013 का मॉडल है। ठीक है, यूके रजिस्टर्ड कार है, 15 साल की आपको वैलिडिटी मिलने वाली है, तो 10 साल जब पूरे हो जाएंगे आपको रोड टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2013 का मॉडल है, सेकेंड ओनरशिप, 1,90,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। 1,90,000 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर चला के देखना, मैं बता रहा हूँ, मतलब बोल नहीं सकोगे बंटी भाई, अगर हमने इसका मीटर हाइट कर दिया ना, कोई कह नहीं सकता यार कि ये गाड़ी 1,90,000 चल चुकी है। सर ये जब जिस टाइम हम परचेजिंग कर रहे थे ना गाड़ी की, तो हमने बस चला के देखी थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था गाड़ी का, एंड इस वजह से हमने इस कार की परचेजिंग कर ली है, एंड इस कार की जो आस्किंग है 27,90,000 है। ठीक है जी, सो इसकी डिटेल हो गई, अब साथ में आपके आ गई है जो कि US मिलिट्री सबसे ज़्यादा यूज़ करती थी, इवन आज के टाइम में US में आज भी बहुत यूज़ की जाती है गाड़ी, हमर। हाँ जी, बेसिकली भाई ये सबसे पहले ये US मिलिट्री में ज़्यादा यूज़ की जाती थी, और आज भी चल रही है गाड़ी यूज़। बिल्कुल सर, बिल्कुल, अब तो नई शेप आने वाली है, एंड दिस इज 2009 मॉडल। ठीक है, 2009 का मॉडल है, हमर S3, काफ़ी मेंट कंडीशन में गाड़ी है सर। आपको ना हमर मार्केट में देखने को काफ़ी कम मिलती है, लेकिन अगर मिलेगी ना उसकी कंडीशन थोड़ी वैसी रहती है। इस कार की जो कंडीशन है सर 101%, आपको 1% भी शिकायत नहीं मिलेगी। अच्छा, अंदर का काम हमने करवा रखा है, नापा लेदर पूरी सीटों पे करवा रखा है हमने। 2009 का मॉडल है, 62,000 किलोमीटर चली हुई है, एंड दिस इज सिंगल हैंड ड्रिवन। ओके, गाड़ी का नंबर देख लीजिए, काफ़ी अच्छा मिल रहा है, 2600। ठीक है, एंड इस कार की जो आस्किंग है 65,90,000 है, 65 लाख की गाड़ी मिल रही है भाई। मतलब ना इस गाड़ी की भी एक ऐसी शान है, मतलब ना लगता है यार हाँ कि एक ना डायनासोर चल रहा है, इसको बीच नहीं हम इसको डायनासोर बोलेंगे, मतलब इसकी रोड प्रेजेंस ऐसी है ना, कभी आप इसको रोड पे चलते देखोगे ना खुद बोलोगे नहीं यार गाड़ी में बात है यार। येलो कलर की आपने देखी होगी, येलो कलर की हमने पहले भी कवर किया है बंटी भाई के पास। बात करते हैं ये ऑडी Q7 कौन सी ईयर का मॉडल होगा ये? सही, 2019 मॉडल है अपने पास, 7 सीटर में तो मैंने काफी ऑप्शन दिखा दिए, लेकिन सारी की सारी डीजल वेरियंट थी, ये वाली पेट्रोल वेरियंट है। ठीक है, दिस इज दिसंबर 2019 मॉडल, एंड काफी कम चली है अगर 2019 से देखें पेट्रोल के मुकाबले, 40,000 के आसपास किलोमीटर चली हुई है। ठीक है, सिंगल ओनर कार है, गुड़गांव का रजिस्ट्रेशन नंबर है, एंड इस कार की जो आस्किंग है 64,90,000 है, 64,90,000 इसकी आस्किंग है। ठीक है, हाँ जी, अब नेक्स्ट अब आपकी आ चुकी है टोयोटा की पिलर, ये टोयोटा का लग्जरी कारों में पिलर है, जो कि आपकी लैंड क्रूजर, भाई डिटेल पे आएंगे इस गाड़ी के हम। सर 2013 का मॉडल है, आप मार्केट सर्च करेंगे ना आपको नई शेप मिल जाएगी इजीली आपको देखने को, लेकिन ये वाली शेप काफ़ी कम मिलेगी। ठीक है, 2013 का मॉडल है, सिंगल ओनर कार है, एंड गाड़ी सर लगभग चली हुई है 1,70,000 1,70,000 कंपनी रिकॉर्ड के साथ, ये इसके लिए कुछ भी नहीं है, ना के बराबरी है इसके लिए, एंड सर इस कार की जो आस्किंग है अपने पास 69,90,000 है, एंड आज के टाइम में जो LC आ रही है वैसे तो फिलहाल डिसकंटिन्यू हो चुकी है। हाँ जी, लेकिन अगर हम बात करें जब लास्ट भी डिसकंटिन्यू थी, LC आराम से लाइक
1 CR या 1.5 CR के आसपास की गाड़ी, 1.5 के करीब है ना। हाँ जी। नेक्स्ट अब आपके आ चुके हैं मर्सिडीज बेंज GLS। GLS ये नॉर्मल GLS नहीं है, दिस इज ग्रैंड एडिशन मॉडल, ठीक है, 2018 का मॉडल है, 2018 ग्रैंड एडिशन GLS 350 एंड ये सर चली हुई है 79,000 किलोमीटर्स विद रिकॉर्ड। सिंगल ओनर कार है, UP 16 का रजिस्ट्रेशन नंबर है एंड इस कार की जो आस्किंग है अपने पास 68,90,000 अभी। ओके ठीक है। नेक्स्ट अब आपके आ चुके हैं GLE 43 AMG कूपे। हाँ जी। ये भी एक AMG बीस्ट है जो कि मर्सिडीज बेंज आपको दे रहा है एट द टाइम। हाँ, भाई देखते हैं भाई कितना डिस्काउंट दे रहा है हमें इस पे। भाई डिटेल पाएंगे। 2019 का मॉडल है सर, GLE 43 AMG। सर कार चली हुई है लगभग 22,000 किलोमीटर, ठीक है, 22,000 चली हुई है, HP का रजिस्ट्रेशन नंबर है एंड इस कार की जो आसिंग है 79,90,000, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट अब आपकी आ चुकी है रेंज रोवर स्पोर्ट। ये आज के लॉक की आपको लास्ट गाड़ी दिखाने वाला हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी कलेक्शन दिखा दे भाई, थक भी गए होंगे इतने व्लॉग देख के लंबा। सो भाई डिटेल पे आएंगे इस गाड़ी के हम। 2017 मॉडल है रेंज रोवर स्पोर्ट, एट द टाइम ये सर उस टाइम आती थी 1.8 CR की। 2017 मॉडल है सर, गाड़ी सर लगभग चली हुई है 80,000 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 80,000 के आसपास चली हुई है, 18 UP 93 का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है आपको एंड इस कार की जो आस्किंग है सर अपने पास 71,90,000 है। 71 लाख में आपको एक कार मिल रही है, लेकिन जब ये 2018 में आती थी उस समय आपको कॉस्ट करती थी 1,80,00,000 की। हाँ जी। सो बता दूं गाइस कि फिलहाल ये जो भी मैंने आपको गाड़ी दिखाई है, चाहे वो 1,70,000 चली है आपकी लैंड क्रूजर दिखाई है, आपकी 1,90,000 चली आपकी रेंज रोवर स्पोर्ट दिखाई है, मतलब सारी जेन्युइन कंडीशन की गाड़ियां हैं, जितना बोला है उतना ही मिलेगा। गाड़ी आपको बता के दी जाएगी कि गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल है, नॉन मीटर टेम्पर्ड है। बाकी अगर आपको एक अच्छी कार की आप तलाश में हो तो आपको वंस आपको एक बार कुंज मोटर विजिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक दो नहीं, यहाँ पे आपको बहुत वैरायटी देखने को मिल जाती है। सो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डील चाहिए तो आप बंटी भाई से कॉन्टैक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में बंटी भाई का नंबर दे दूंगा। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए न्यू कार कलेक्शन लेके। बंटी भाई का तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।